students, this is your ma'am Manju Dagar again with you, and today we are here to keep forward our topic of class 12 inverse trigonometric function. In our previous lecture also we have studied about the graph of the sine function and sine inverse. So today also we will keep continue the same thing. आज हम पढ़ने जा रहे हैं graph sine inverse function का. तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था ग्राफ साइन का, उससे आपको कोरिलेट करके इसे समझना होगा कि साइन और साइन इनवर्स में क्या डिफरेंस है. इसलिए एक बार फिर से हमें बनाना पड़ेगा साइन का, तब आपको साइन इनवर्स का ग्राफ क्लियर होगा. तो साइन का जो हमने ग्राफ बनाया था उसे हम फिर से एक बार दोबारा यहां ड्रॉ करेंगे. वाई वाई डैश एक्स डैश एंड एक्स, ये आपके पास आपकी जो साइन की साइन फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे थे. कहां से कहां डिफाइन किया गया था हमने? साइन को डिफाइन किया था हमने हमारे फंक्शन को क्लोज इंटरवल -π/2 तो रेंज इसकी हमने रखी थी क्लोज इंटरवल -1 to 1. तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा डोमेन है वो ये इंटरवल है. मींस डोमेन के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो हमारी इस इंटरवल की वैल्यूज होनी चाहिए, और जो रेंज के अंदर वैल्यूज है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए. तो कहने का मतलब ये कि किसी भी फंक्शन f को अगर हम डिफाइन करते हैं r टू r, तो इससे जो वैल्यू लेते हैं वो हमारी x एक्सिस पर होती है, और f ऑफ f फंक्शन इस पर ऑपरेट होने के बाद जो वैल्यू आती है वो y की आती है. जैसे हम y = f(x) लेते हैं, तो x हमारा क्या है? डोमेन का एलिमेंट है, और y किसका एलिमेंट है? रेंज का एलिमेंट है. इसलिए x जो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनको हम x एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे, और जो हमारे रेंज यानी y के एलिमेंट्स हैं उनको हम y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट पर हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारा ये जो डोमेन है इसके एलिमेंट्स को -π/2 to π/2 -π/2 और 0, और यहां पर हम ले लेते हैं हमारा +π/2 और 0. और रेंज हम देख रहे हैं कि हमारी रेंज मैक्सिमम कहां से कहां तक है? मिनिमम -1 से और मैक्सिमम 1 तक. तो हमें ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने नीड के अकॉर्डिंग ये हमारा जो होगा x यहां पर 0 होगा और y की वैल्यू होगी 1. और इस पॉइंट में हम नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं y एक्सिस की, तो x की वैल्यू तो यहां भी 0 है लेकिन y हमारा यहां पे होगा -1. इन दिस वे हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा डोमेन है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है साइन को क्या बनाने के लिए? इनवर्टिबल फंक्शन बनाने के लिए बाइजेक्शन होना जरूरी था, और बाइजेक्शन बनाने के लिए हमने इसके डोमेन को और इसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया था. तो आप देख रहे हैं -π/2 ये वैल्यू, अगर हम इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहां कहीं पर आपका -π/2 के सामने और -1 के सामने पॉइंट ये आपका, इसका नाम है -π/2 -1. और इन दोनों के बीच का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं π/2 के सामने और इधर से 1 के फ्रंट पे, तो ये पॉइंट यहां कहीं पर आपका जो है ये है π/2 और 1. तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर आपको कहीं भी कोई टर्न नहीं है. ये हमारा कंप्लीट ग्राफ जो है वो इस तरीके से आता है. तो फिर से इसको शार्पली ड्रॉ करते हैं. ये ग्राफ किसका था? हमारा साइन फंक्शन का. अब हम इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जस्ट इससे कोरिलेट करके अब आपको समझाएंगे. ये हम आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुके हैं. तो इसमें आप देखिए क्या डिफरेंस आएगा इनवर्स फंक्शन के ग्राफ में और साइन फंक्शन के ग्राफ. सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है कि जब हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो जो फंक्शन का डोमेन था वो इनवर्स की रेंज बन जाता है, और जो इनवर्स की रेंज है वो हमारे फंक्शन का डोमेन है. तो अब हम इस तरीके से इसे प्लॉट करेंगे. यहाँ -π/2 π/2 वाली रेंज थी, ये हमारा क्या था? डोमेन. डोमेन एक्स एक्सिस पर आता है हमेशा. अब डोमेन क्या है इनवर्स के केस में? ये साइन फंक्शन था, हम डिफाइन कर रहे हैं साइन इनवर्स. तो साइन इनवर्स हमारा, उसके लिए डोमेन हमारा -1 1 हो गया है, और रेंज हमारी हो चुकी है -π/2 to π/2. तो इसको प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पर. हमने ये पॉइंट लिया -1 0 और इस पॉइंट का नाम है हमारा 1 0. और अब रेंज वाई एक्सिस के अलोंग आएगी, तो वाई एक्सिस के अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट +π/2. और यहाँ पर कहीं हम मानते हैं कि हमारा x तो 0 ही रहेगा,
और y की वैल्यू होगी माइनस फाइव बाई। तो आपके ग्राफ में क्या फर्क आया है नोट करेंगे आप। अब इस ग्राफ को जो है इस माइनस वन के सामने और इस माइनस फाइव बाई टू, ये पॉइंट हमारा बैठेगा माइनस वन माइनस फाइव बाई टू, और यहां पर ये पॉइंट हमारा वन के फ्रंट में, यानी x कोऑर्डिनेट वन है, y कोऑर्डिनेट हमारा फाइव बाई टू है। अब इसको आप ज्वाइन करते हैं तो आपके ग्राफ में डिफरेंस नोट कीजिएगा कि ये ग्राफ जो है आपका ऐसे करके कर्व किया, और इस ग्राफ में जो आपकी कर्व जा रही है वो आपकी ये, आप देखिए ये साइन साइन फंक्शन का ग्राफ था और ये साइन इनवर्स का ग्राफ, तो दोनों ग्राफ आप एक दूसरे से को रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन। और एक्चुअली हमें मैथमेटिक्स में ये भी बताया गया है कि जो साइन और साइन इनवर्स का ग्राफ होगा, कोई भी फंक्शन अपने इनवर्स के ग्राफ के साथ एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनाते हैं। तो लेट्स चेक, ये भी हम चेक कर लेते हैं कि ये जो साइन फंक्शन है और ये साइन इनवर्स फंक्शन है, इन दोनों के जो ग्राफ है अगर किसी लाइन पर इनको लिया जाए तो उस मिरर लाइन लिया जाए तो उस मिरर लाइन के ऊपर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस क्रिएट करेंगे। तो अगर आपको ये क्लियर है देन आई कैन ड्रॉप दिस थिंग सो दैट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द मिरर इमेजेस दैट दीज टू इमेजेस आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और नॉट। तो आगे बढ़ते हैं हम जो है अब ये सीखने जा रहे हैं कि ये जो दो ग्राफ हमने प्लॉट किए थे, एक साइन फंक्शन का और एक उसके इनवर्स फंक्शन का, ये दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं या नहीं है। तो अब हम दोनों को एक साथ प्लॉट करने जा रहे हैं, दोनों ग्राफ को एक साथ। ये हमारा वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। तो सबसे पहले हम साइन फंक्शन का ग्राफ, पहले तो हम लाइन लाइन अगर हम लेते हैं y इज इक्वल टू x, ये हमारी लाइन है, तो लाइन को मिरर मान लें, मिरर कैसा है हमारा लाइन, लाइन मिरर, ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू x, क्योंकि अगर x वन है तो y भी वन है, x टू है तो y भी टू है, तो ये ग्राफ हमारा इस टाइप की स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ये। अब हमें देखना है कि ये जो दो ग्राफ थे हमारे साइन के और साइन इनवर्स के, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है या नहीं है। तो ये ग्राफ किसका आपको क्लियर है, इस लाइन का ग्राफ है y equal to x लाइन का। तो इसमें हम सबसे पहले अपने साइन फंक्शन को इसी को इसी का ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें हमने क्या प्लॉट करना है, ये हमारा डोमेन है, तो डोमेन माइनस फाइव बाई टू और जीरो जीरो, और यहाँ पे हमारा रहेगा फाइव बाई टू जीरो। रेंज हमारी इसकी है, रेंज है एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट वन, इसमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो वाई कोऑर्डिनेट माइनस वन। तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ आता है, इस माइनस वन के सामने और इस माइनस फाइव बाई टू के सामने, ये पॉइंट यहाँ कहीं बैठेगा, और ऐसे ही फाइव बाई टू के फ्रंट में और इस वन के फ्रंट में ये ग्राफ हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर। तो हम इनके नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है x कोऑर्डिनेट माइनस फाइव बाई टू और y कोऑर्डिनेट माइनस वन। इन द सेम वे वी विल नेम दिस पॉइंट आल्सो, इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे x कोऑर्डिनेट हमारा है फाइव बाई टू और y कोऑर्डिनेट हमारा है वन। सो इन दिस वे वी विल प्लॉट अ ग्राफ, ग्राफ अब हम प्लॉट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये हमारा ऐसे करके, दिस इज द ग्राफ, किसका ग्राफ है ये हमारा y इक्वल टू साइन x का ग्राफ, y इक्वल टू साइन x का। और अब हमें दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है, ये हमारा इस केस में डोमेन है और ये हमारी रेंज, तो डोमेन को x एक्सिस के अलोंग लेंगे, सपोज कीजिए ये हमारा डोमेन है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा हमारा x कोऑर्डिनेट, क्योंकि इनको लेते हैं हम माइनस वन और वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो इधर भी हमारा वन और जीरो,
ये हम ले लिए along x axis और range को किसके along लेंगे y axis के along. तो range हमारी यहाँ पर आएगी x point 0 होगा, y coordinate pi by 2, x 0 y coordinate minus pi by 2. तो इस graph को अगर हम plot करते हैं तो देखिए minus pi by 2 और minus 1, ये point यहाँ कहीं है, इस point का नाम है minus 1 minus pi by 2. और अगर हम graph plot करते हैं ये हमारा, इसका pi by 2 और इसका हमारा 1, तो इसके दोनों के सामने ये यहाँ कहीं है हमारा, रुको, इसका नाम है 1 pi by 2. तो इस तरीके से इस ग्राफ को अगर हम बनाएं तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ऐसे करके और यू ग्राफ हमारा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस, साइन और साइन इनवर्स बोथ आर द मिरर इमेजेस अलोंग अ लाइन मिरर. तो ये आपको इस ग्राफ के थ्रू क्लियर हुआ है कि दीज टू साइन एंड साइन इनवर्स ग्राफ्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. अब हम इसी तरीके से ग्राफ पढ़ रहे हैं कोसाइन फंक्शन का. लेट अस स्टडी अबाउट द कोसाइन फंक्शन. कोसाइन फंक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये हमारा y equal to cos x का ग्राफ है. जब x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ है, x को हम ले रहे हैं minus 2 pi से greater or equal and less than equal to 2 pi. इस केस में हमें ये ग्राफ दिखाई दे रहा है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, देखिए आप minus pi और minus 1 और सॉरी ये मिनिमम है और मैक्सिमम कहां तक गई है आपकी 0. ये क्या दिखाई दे रहा है माइनस पाई टू 0 और 0 टू पाई, पाई पर आपका क्या हो गया अगेन माइनस 1. तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा इस तरीके से फ्लक्चुएशन हो रहा है वैल्यूज में. फ्लक्चुएशन हो रहा है मींस हमारा फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है. इन्वर्टिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं है. बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो सेम वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन सेम वैल्यू अटेन करेगा. तो अब हम देखेंगे कि हम अगेन इस केस में भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें, डोमेन को ऐसा रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि उस डोमेन के लिए हमारे पास फंक्शन 1 1 बन जाए और 2 2 बन जाए, जैसा कि हमने साइन फंक्शन में किया. तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है वो 0 to π लगाई, 0 to π, यानी जो हमारा ये हमारा y equal to cos x function है, जब x हमारा lie करता है 0 to 5. x हमारा कहाँ lie कर रहा है, x means it is the angle cos x means हम जिन भी values के लिए cosine function को define कर रहे हैं वो ये values है, 0 से बड़ी या equal हो सकती है और pi से छोटी और equal, यानी ये हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और रेंज को भी हमने रिस्ट्रिक्ट किया है. रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया है -1 to 1. तो इन कोसाइन फंक्शन आल्सो इफ वी विल रिस्ट्रिक्ट द डोमेन एंड इफ वी विल रिस्ट्रिक्ट द रेंज देन द फंक्शन विल बिकम बाइजेक्टिव फंक्शन एंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन देन इट विल एग्जिस्ट. तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है कोसाइन फंक्शन है cos, इसको हमने डिफाइन किया है क्लोज इंटरवल 0 to π और रेंज हमारी वही है जो पहले थी. रेंज क्या है हमारी, हमने पहले रेंज ली थी -1 to 1, वही रेंज है हमारी इसकी भी. और तो cos इनवर्स हमारा कहाँ से डिफाइन करेगा, अब इसका डोमेन क्या बन जाएगा, इसकी रेंज और इसकी रेंज इसका डोमेन. तो -1 1 ये इस केस में cos इनवर्स के केस में हमारा डोमेन होगा और हमारा रेंज होगा 0 to π. तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया है ये आपको शो कर रहा है y equal to cos x का ग्राफ. cos x का ग्राफ कब है, ये ग्राफ हमारा तब है जब हमारे पास डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो चुका है 0 टू पाई के अंदर और रेंज हमारी जो है -1 to 1 आ गई, जो भी वैल्यूज है वो रिस्ट्रिक्टेड है. तो ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है. और इसका ये जो ग्राफ आपको इधर दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखिए कि आपका जो ये फंक्शन है ये y equal to cos inverse
इसको वाई इक्वल टू रहने दीजिए, कॉस इनवर्स से जाएंगे, ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन कब है, y, चलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स x ही मानते हैं। तो इनवर्स फंक्शन किसके लिए, x की वैल्यू हमारी कहाँ लाई कर रही, अब ये डोमेन है तो x की वैल्यू हमारी लाई करेगी, x हमारा ग्रेटर और इक्वल होगा माइनस वन के और लेस देन और इक्वल टू होगा वन। सो दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज। In that case, the inverse of cos function will exist and graph of inverse, cosine inverse will be like this. इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, जैसे जैसे आप x की values को देखिए, x decrease हो रहा है, पहले x क्या था 1, फिर उसकी value थोड़ी decrease हो रही है, इस तरफ आ रही है, left hand side आ रही है, यानी x क्या कर रहा है decrease, x decrease कर रहा है तो y आपका क्या करते जा रहा है, y की value increase होती आ रही है, y क्या कर रहा है increase, यानी कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग। आप देखेंगे कि कोसाइन फंक्शन कोस और कोस का इनवर्स दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शंस, डिक्रीजिंग से क्या समझते हैं, साइन के फंक्शन में हमने ये नहीं पढ़ा था, आपको बता देते हैं कि जो साइन फंक्शन है, साइन और उसका इनवर्स ये दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शंस है और कॉस और उसके इनवर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शंस है। कैसे इस चीज का हमें पता लगता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दैट आई विल एक्सप्लेन राइट नाउ। देखिए जो फंक्शन हमारा, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट साइन एंड साइन इनवर्स आर इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शंस means, इसका क्या मतलब है कि if x1 is less than x2, x1 अगर less than x2 है, this implies sin x1 is less than sin x2, sin x1 is less than sin x2 for every x1 x2 belonging to closed interval minus 1 to साइन फंक्शन हमारा किस इंटरवल में डिफाइन होता है, साइन फंक्शन अगर हम इसको इसमें ले गए, साइन फंक्शन को x1 x2 को माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये हमारा डोमेन। तो डोमेन से एलिमेंट्स लिए हैं हमने, एलिमेंट्स कहाँ से उठाए हैं, डोमेन से। तो डोमेन इंटरवल के अंदर कोई भी दो वैल्यूज, अगर एक वैल्यू दूसरे से छोटी है तो उसका साइन भी उसके दूसरे वाले से छोटा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इन द सेम वे इफ x y1 is less than y2, then sine inverse y1 is less than sine inverse y2 for every y1 y2 belonging to minus 1 to 1, क्योंकि sine inverse का डोमेन ये है। तो डोमेन से वैल्यूज ली गई है, तो हमारा जो डोमेन है sine inverse का वो ये है, इसलिए हमने वैल्यूज जो है ये दिखाया है कि कोई भी दो वैल्यूज अगर पहली दूसरे से छोटी है तो उसका इनवर्स भी दूसरे के इनवर्स से छोटा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड बट इन द केस ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन व्हाट वी आर सेइंग दैट दीज आर डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक few examples to solve the numerical problems related to this concept. After that, this lecture will be over. So let's take some examples. अब हमसे questions कैसे पूछे जाएंगे? आपसे अभी जो inverse trigonometric concept आपने सीखा है, जो आपने graph के through study किया है, और अपने basic concepts को clear करने के लिए हमें बहुत सारी inverse trigonometry की छोटी-छोटी बातें जानी हैं, उनको अब हम apply करेंगे questions में। So let us take some questions कि हमें find the principal value, principal value of sine inverse half. साइन इनवर्स ऑफ ए पर ये हमें सारी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, इनको तो ये हम करके दिखाते हैं आपको। साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए साइन इनवर्स हाफ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। देखिए
फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है आपको पता है, क्योंकि इनवर्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड रेंज रखता है। तो हम बता सकते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू, या थीटा मान लीजिए, थीटा अगर हम साइन इनवर्स हाफ को मानते हैं, दिस मीन्स ये साइन इनवर्स अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो साइन थीटा हमारा हाफ है, और साइन थीटा हमारा हाफ किस केस में है ये हम जानते हैं, इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई, थीटा हमारा कहाँ बिलोंग करता है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो है ये हमारा यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ये किसकी वैल्यू है, डोमेन इनवर्स का, ये डोमेन है और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, रेंज से। तो आप जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, तो ये हमारी वैल्यू क्या क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन के बीच में लाई करती है, यस ऑफकोर्स ये वैल्यू हमारी क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन के अंदर लाई करती है, दैट मीन्स ये हमारा डोमेन जो है इनवर्स का डोमेन है। तो ये जो रेंज हमें जो मिलेगी ये किस में होनी चाहिए, हमारे इस इंटरवल के अंदर लाइन करनी चाहिए, थीटा ऐसा जिसकी वजह साइन थीटा हाफ किसका होता है, साइन थीटा हाफ हमारा किसका होता है, आप जल्दी से बताएंगे, साइन 60 का हाफ होता है या 30 का हाफ होता है, 30 साइन 30 डिग्री,